strong. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पायोनियर ट्यूटोरियल्स। आज हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द साइंस वन एग्जाम। कई स्टूडेंट्स ने ये कहा कि सर साइंस वन का पेपर मुझे हमें टफ लग रहा है, तो आप प्लीज़ आईएमपी क्वेश्चंस दीजिए। तब मैंने सोचा कि चलो सभी बच्चों के लिए आईएमपी क्वेश्चंस बना दिया जाए। सो लेट्स स्टार्ट आईएमपी क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन, राइट द थ्री लॉज गिवन बाय कैपलर्स। ये क्वेश्चंस कई बार पूछे गए तो मैंने ये लिखा है थ्री लॉज। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई द वैल्यू ऑफ जी इज जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। पर इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए जिसे इस वीडियो की ज़रूरत होगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिंक भी सेंड किए हैं, आप उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को क्लिक कीजिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विथ आंसर्स आप पा सकते हैं, जिससे आपका क्वेश्चन नंबर वन ए और बी पे 10/10 मार्क्स इजीली आप पाओगे। इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिए जिससे आपको 35 से 38 तक मार्क्स आपको ज़रूर मिलेगा। सो लेट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू इट्स मास इज कॉन्स्टेंट। क्वेश्चन नंबर फोर, ऑब्जर्व द गिवन फिगर शोइंग द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट मूविंग अराउंड द सन एंड राइट द थ्री लॉज रिलेटेड टू इट। अब ये क्वेश्चन नंबर फोर ट्विस्टेड क्वेश्चन है जो ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर वन है। क्वेश्चन नंबर वन क्या था? कैपलर्स लॉ। यही है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर टू, स्टेट डोबनायर्ड्स ट्रायल। सेकेंड, स्टेट न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। थर्ड क्वेश्चन इज मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। नाउ इस वीडियो में आप चैप्टर नंबर वन से लेकर चैप्टर नंबर फाइव तक आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन चैप्टर नंबर सिक्स से लेकर चैप्टर नंबर तक चाहिए होगा तो आप ज़रूर नेक्स्ट वीडियो को देखिए, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, मेरिट्स ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। फिफ्थ क्वेश्चन, डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। क्वेश्चन नंबर सिक्स, एन एलिमेंट हैज इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एज 2,8,2। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन एक्सरसाइज है, टेक्सचुअल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी आर मीन्स गिव रीजन, ये हम कह सकते हैं गिव साइंटिफिक रीजन। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर टू ए का क्वेश्चन, एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन अ ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट, ये भी गिव रीजन क्वेश्चन है, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप, या स्पेलिंग मिस्टेक है, इट शुड बी हैव, HAVE, हैव द सेम वैलेंसी। नंबर नाइन्थ, मेटेलिक कैरेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। यह भी एक गिव रीजन क्वेश्चन है, तो इसका मतलब आपको क्वेश्चन नंबर टू में इन में से कोई ना कोई एक ज़रूर या लगभग 50% चांसेस है एक क्वेश्चन गिव रीजन का आएगा ही। नेक्स्ट चैप्टर नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर वन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। क्वेश्चन नंबर टू, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। नॉट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन मीन्स वॉट, जो अलग अलग टाइप्स थे लाइक कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, राइट, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ये सब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है। आपको इसका डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल पढ़ना होगा जो आएगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैंने प्रीवियस पेपर्स बोर्ड्स के चेक किए हैं और हमने देखा है कि ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री में होता है फॉर थ्री मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट आर फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, गिव रीजन, इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ अ एयर टाइट कंटेनर फॉर स्टोरिंग ऑयल फॉर
लॉन्ग टर्म या लॉन्ग टाइम. नाउ दिस इज रिलेटेड टू द गिव रीजन, सो गिव साइंटिफिक रीजन, दैट इज फॉर क्वेश्चन नंबर टू. नेक्स्ट वन नंबर फिफ्थ, एक्सप्लेन कोरोजन. आपको कोरोजन का एक्सप्लेनेशन देना है, साथ में केमिकल रिएक्शंस भी लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन या डिफाइन रैंसिडिटी. नाउ दिस विल कम इन क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, आपको टेक्स्ट बुक प्रीफर करना होगा, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. नेक्स्ट विल बी क्वेश्चन नंबर एट. क्वेश्चन नंबर एट में होगा रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर नाइन, जीआर, दैट इज गिव रीजन. इट टेक्स टाइम फॉर पीसेस ऑफ शाहबाद टाइल टू डिसअपीयर इन एससीएल बट इट्स पाउडर डिसअपीयर रैपिडली. यह है गिव रीजन. नेक्स्ट वन चैप्टर नंबर फोर, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट राइट हैंड थंब रूल. ये कई बार एग्जाम में पूछे गए, तो मैंने मुझे मुझे लगा ये क्वेश्चन आईएमपी हो सकता है, तो आप इसे ज़रूर रीड कीजिए. नेक्स्ट वन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. थर्ड क्वेश्चन विल बी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. क्वेश्चन नंबर फोर, एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर विथ व्हाट लेबल डायग्राम. फिफ्थ वन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर टेन. सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हाट फैराडेस लॉ ऑफ इंडक्शन. नंबर सेवन गिव रीजन, टंगस्टन मेटल इज यूज टू मेक अ सोलेनोइड टाइप कॉइल इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब. क्वेश्चन नंबर एट गिव रीजन, फॉर इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कॉपर और एल्यूमिनियम वायर इज यूज. चैप्टर नंबर फाइव, नंबर वन इज एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर एंड द सेकेंड वन इज हीट एक्सचेंज. क्वेश्चन नंबर थ्री गिव रीजन, इन कोल्ड रीजन इन विंटर द रॉक क्रैक्स ड्यू टू एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर. इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन आता है, वो है एक्वेटिक लाइफ, हाउ द फिशेज और द एक्वेटिक एनिमल्स सर्वाइव इन कोल्ड रीजन. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर फोर, dew points and humidity. Now this all these questions are what all guest questions are there. अब आपको इसके साथ ये तो आपको पढ़ना ही है, साथ में आपको textual questions करना है. आप इस पर टोटली डिपेंड मत रहो कि ये आई एम पी क्वेश्चन है, ये ज़रूरी आने वाले हैं एग्जाम में, बिकॉज दिस क्वेश्चन आर टोटली बेस्ड ऑन गेस एंड द एक्सपीरियंस. अब नेक्स्ट चैप्टर नंबर सिक्स से लेकर चैप्टर नंबर टेन के लिए आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए, जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन से फाइव चैप्टर्स हैं जिससे आप 35 मार्क्स इजीली कवर कर सकते हैं. ऐसा कौन से फाइव चैप्टर्स है जिससे आप इजीली 80% स्कोर कर सकते हैं, या जिसको हम कह सकते हैं आप कोई भी फाइव चैप्टर्स को स्किप कर सकते हैं. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो do like, comment and subscribe and share it with your friends, relatives, neighbors or a person who needed the most. Thank you.